हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डम स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बैंगन का भरता, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने ये बड़े वाला बैंगन लिया है, जिससे बैंगन का भरता रेडी होता है। दो हम यूज़ करेंगे टमाटर और एक हरी मिर्ची। अब हम इस पर बाहर पूरा ऑयल लगाएंगे और हम इन्हें काट लेते हैं। और इस तरीके के अगर आपके पास जाली अवेलेबल है तो उस पर हम इसको सेक लेंगे, या फिर इस तरीके की जो जाली होती है उस पर भी आप सेक सकते हैं। तो देखिए, हमने इस पर ऑयल लगा दिया है। अब हमें नाइफ की हेल्प से इसमें थोड़े थोड़े छेद करने हैं जगह जगह पे। ऐसा करने से ही पक जाएगा, जब हम इस पे सेकेंगे तो ये अंदर पक जाएगा। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से सेकेंगे। देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट पूरा पक गया है, पूरा सेक दिया हमने, चारों साइड से इसे अच्छी तरह सेक दिया। ये इस तरीके से देखिए फटने लग जाएगा। हमने पहले इसे जाली पे सेका था, हम इसे डायरेक्ट सेक रहे हैं थोड़ा सा। तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, अब बिल्कुल मैश होने लग गया है और इसमें हल्की भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लग गई है। ये देखिए, हमने इसको बर्न कर लिया है और इस तरीके से जब गर्म होता है तभी हमें इसकी जो परत है ये निकालनी पड़ती है। इसे हम पूरा चारों तरफ से ये परत इसकी निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने टमाटर और यहाँ पे मिर्ची काट ली है और अब हम इसका ये डंठल हटाएंगे। हमने पहले नहीं हटाया था क्योंकि सेकने में मुश्किल होती है, इसकी हेल्प से हम आराम से सेक पाते हैं, उसको टर्न कर पाते हैं। अब हमने इसको इससे अलग कर दिया है। अब इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। इसे हमें गरम गरम ही काटना है। बीज और जो बीज आए हैं इन्हें हमने निकाल दिया है। जो बड़े बड़े बीज थे जैसे, उस तरीके के ये हम निकाल देंगे इसमें। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें हींग डालेंगे। जो प्याज और लहसुन खाते हैं वो यहाँ पे प्याज डाल सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, हमने काट के रखे थे। तो देखिए, ये टमाटर ऐसे आराम से मैश हो रहे हैं, सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल लेते हैं। करीबन 1 मिनट पकने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, 1/2 टीस्पून हमने डाली है मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर। हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है थ्रू आउट। हम थोड़े से मसाले पकने देते हैं। अब हम डाल रहे हैं मैश किया हुआ बैंगन, जो हमने मैश करके रखा था, चॉप करके रखा था, उसे हम डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे और बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें ताकि नीचे लगे नहीं।
क्योंकि हमें इसकी प्लेट हट गई। अब हम इसको एक बार हिला के देख लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, करीबन 1/4 के करीब है। अब इसे एक बार मिला लें। अब हम इसमें थोड़े से काट के हमने इसमें धनिया डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे और गार्निश के लिए हम इसमें बाद में ऊपर से धनिया डालेंगे। तो देखिए ये ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो बनके रेडी है, अब हम इसे धनिया से गार्निश कर देते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी होती है। इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।